नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तो जी दोपहर तो का टाइम है और एक बज बच गया बच्चों के आने का हो रहा है टाइम डेट पौने दो बजे तक आएंगे तो मुझे बनाना है अभी खाना और खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी क्योंकि डैडी बोल कर रहे थे कि आज आलू गोभी की सब्ज़ी बना ले सुबह मैंने आलू की पूरी बनाई थी आलू आटा में मिक्स करके और अब बना रही हूँ मैं पूरी आलू की सब्जी और रोटी ये आया था दूध तो इसको मैं दे रही हूँ बाल असल में जब सुबह दूध आया था तो मुझे जाना था उधर उन दीदी को देखने के लिए जिनका ऑपरेशन हुआ था ना तो मैं वहाँ पे चली गई थी तो इसीलिए फिर आके वहाँ से थोड़ा सा लेट हो गया अब खाना बनाना मुझे एक एक घंटा सारा लग गया उधर मुझे जाके तो इसलिए बस फिर मैं कचली अब मैं बनाती हूँ खाना अभी आई थी और पीओ के डैडी मुझे छोड़ के चले गए थे क्योंकि बुटीक से फोन आ रहे थे उनके बार बार तो पहले अब मैं बनाऊंगी खाना और उसके बाद देखूंगी पीओ के डैडी ने ना बेसन और सामान ला के रख रखा कह रहे कि लड्डू बना दें तो क्योंकि कई दिन हो गए देखो सारा सामान ला के रखा हुआ तो बस मैं पहला खाना बना के और उसके बाद जो है वो बनाऊंगी फिर लड्डू उनके लिए उनके लिए क्या बच्चे भी खा लें तो चलिए बस जी फिर शुरू करते हैं आज का भी और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए तो चलिए बस फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो राधे राधे तो जी हो गई है काम की शुरुआत और मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूध रखा था तो मैं इसमें चीनी डाल के रख रही हूँ क्योंकि मैं कॉफ़ी सोच रही थी मैंने कहा मैं कॉफ़ी पीऊंगी बल्कि पी नहीं गई फिर ये रख दिया मैंने मैं काम में लग गई तो वो पी नहीं गई मेरे से फिर तो दूध पकने के बाद यहाँ पे मैं गोभी काटने लगी हूँ साथ के साथ ही सब्जी भी हो जाएगी और इधर दूध जो सुबह था वो भी गर्म करना रख दिया मैंने और देखिए बच्चे भी आ गए हैं उधर खिड़की में से नजर आ रहे बच्चे भी तो इनके साथ ही तीनों के तीनों आ जाते हैं और इनके साथ ही वो जाते हैं तो देखिए बस यहाँ पे मैं बना लूँगी अब जा खाना फटाफट से सब्जी वगैरह काट के तो सब्ज़ी जो है मैं जैसे दोपहर को बनाती हूँ तो शाम के नाम की भी बना लेती हूँ या फिर सुबह को बनाती हूँ तो दोपहर के नाम की भी दो टाइम की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं तो फिर दूसरे टाइम का उसमें काम चल जाता है और जैसा कि शाम को मुझे कुछ और काम करना है तो उसी हिसाब से फिर मैं सुबह के टाइम जो सब्जी है या दोपहर के टाइम उसी हिसाब से बना लेती हूँ जिससे कि खाना जो है वो टाइम पे हो जाए और मेरे दूसरे काम भी हो जाए तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई रख दी है मैंने और उसमें धनिया जीरा और क्या बोलते हैं हींग वगैरह डाल के उसको भून के यहाँ पे मैंने उसमें डाल दिया है लहसुन प्याज और जब वो भुन जाएंगे अच्छी तरह तो इसमें हम डाल देंगे अपने मसाले तो मोस्टली जो सब्ज़ी बनाने का छोंक लगाने का मेरा तरीका है वो सारी सब्ज़ियों में सेम ही होता है थोड़ा बहुत अगर जैसा ज़्यादा ही चटपटा सा कुछ बनाना तो मसाले दो चार ज़्यादा हो जाते हैं नहीं तो इतना ही रहता है मेरा तो मसाले डालने के बाद यहाँ पे हल्दी मिर्च धनिया पाउडर और डाल के उनको भून के फिर मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है ऊपर से डाल दिया है नमक और टमाटरों को अच्छी तरीके से पका के उसमें डाल दिया मैंने आलू गोभी मिक्स कर दी है आलू गोभी को मैंने पहले फ्राई नहीं किया है और अब जैसे जैसे ना सीजन सा जा रहा सब्जियों में टेस्ट नहीं आ रहा कल मैंने पालक पनीर बनाया मुझे वो मतलब जो पालक है वो मुझे मीठा मीठा सा लगा मुझे अच्छा ही नहीं लगा और सब्जियों में भी अब जो जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ हैं ना उनमें टेस्ट नहीं अब आ रहा इतना जितना कि आ रहा था तो देखिए बस यहाँ पे सब्ज़ी को बनने के लिए रख दिया है मैंने और यहाँ पे मैं आटा बना लूँगी साथ के साथ तो बस जी आटा बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी लस्सी रखी थी तो सूखी सब्जी है उसके साथ मैं कल लस्सी अच्छी लगेगी तो उसको मैं डंगार रही हूँ आपको पता ही है कैसे डंगा डंगारते हैं घी में अपना हींग डाल दिया जीरा और लाल मिर्च उनको भून के अच्छी तरह लस्सी में डाल दिया तो बस यहाँ पे मैं अब गैस पे दूसरी तरफ सब्जी रख के एक गैस पे बना लूँगी रोटियाँ रोटियाँ बन गई हैं और देखिए सब्जी भी बन गई है मैंने हरा धनिया डाल के उसमें कर दिया है मिक्स और अब मैं लगा दूंगी खाना क्योंकि बच्चे भी आ गए थे ये भी आ गए थे और राजिंदर भी आ गया था दुकान से तो इन सब के लिए मैं लगा रही हूँ अब खाना और फिर सबको दे दूँगी मैं खाना मुझे खाना वगैरह खा के वो चले गए थे पीहूरू ट्यूशन चली गई थी कृष्णा को सुला दिया और अब है शाम का टाइम यहाँ पे तीन साढ़े तीन बज रहे होंगे तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और चाय बनने के लिए मैं रख दूंगी और थोड़ा दूध चीनी पत्ती सब कुछ डाल के मैं कम करके रख दूँगी गैस को और जब तक मेरी चाय पकेगी तब तक जो है मैं शाम की झाड़ू लगा लूँगी तो यही तरीका होता है मुझे लगता है जैसे कि चाय रख दी तो दूसरा काम कर लिया सब्ज़ी बनने लग रही तो ये कर लिया वो कर लिया इसी तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकल जाता है काम करने का और एक ही टाइम पे दो या तीन काम आराम से हो जाते हैं तो अपने लिए भी टाइम बच जाता है थोड़ा सा और काम भी टाइम पे हो जाता है तो जी झाड़ू वगैरह लगा के मैं पी रही हूँ चाय और चाय पीने के बाद मैं करूँगी एडिटिंग वगैरह क्योंकि देखिए जी वो भी काम बहुत ज़रूरी है करना अगर एडिटिंग नहीं करूँगे तो आप सबके पास वीडियो कैसे जाएगा और फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है छोटी सी कि प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल मत तो भूलिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो जी बस देखिए एडिटिंग वगैरह करके उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में बच्चों को छत पे घुमा के लाई मैं खिला के लाई उसके बाद शाम का मैंने खाना बनाया खाना क्या सब्जी तो रखी थी रोटी बनाई थी और फिर उसके बाद बच्चों को खाना खिला के मैं लगी हूँ अपनी तैयारी पे जैसा कि मैंने बताया था मैं बनाऊंगी बेसन के लड्डू तो मैं अपना सामान ताम झाम उठाई रही थी तभी ये आ गए थे इसके डैडी दुकान से और तो बस ये मेरी हेल्प करवाने लगे थे बच्चे देखिए इधर बैठे हैं दोनों तीनों के तीनों और मैं अपना साम ताम झाम ला के रख रही हूँ सारा का सारा तो बस मैं सारा जो सामान है एक ही बार लेके बैठ जाती हूँ जितना भी मुझे चाहिए होता है नहीं तो क्या होता है कि कढ़ाई छोड़ के बार बार उठना पड़ता है और गैस बाहर मैंने इसलिए रखी क्योंकि जो रसोई है उसमें स्पेस इतना नहीं है कि भाई बैठ जाए अच्छी तरह या सामान कर लें बाहर का ये है कि मैं बच्चों पे भी ध्यान दे पाती हूँ और वैसे भी जैसे अगर मैं इनसे भी बात कर रही करूँ या कुछ भी तो सारे काम एक साथ हो जाते हैं और बाहर फिर ये लगता है कि चलिए भाई दीख तो रहा है कोई नहीं तो रसोई में तो गिचपिच हो जाती है और बच्चे भी अंदर बाहर अंदर बाहर जाते रहते हैं तो गैस जो है वो सामने की ही साइड रखी जाती है रसोई में तो डर लगता रहता है मैंने कहा कहीं बच्चे ना गिर जाए तो इसीलिए मैंने बस बाहर रख ली और थोड़ा बहुत काम होता है तो फिर मैं खड़े होकर ही कर लेती स्लेब पर ही रख के गैस को लेकिन इनमें आपको पता है कि बहुत टाइम लग जाता है तो देखिए बस यहाँ पे मेरी तैयारियाँ हो रही है पूरी अपना जो भी है बेसन वगैरह मैंने छान लिया है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं आधी किलो बेसन लिया है मैंने और उसमें मैंने 250 250 ग्राम के करके बाकी सारा सामान लिया है 250 ग्राम मक मखाने तो शायद ज़्यादा ही थे ढाई सौ ग्राम से ज़्यादा मखाने थे मखाने थे उसमें ढाई सौ ग्राम के दो सौ सो, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा दो सौ ग्राम बादाम थे दो सौ ग्राम काजू थे दो सौ ग्राम ही गोंद था और ढाई सौ ग्राम के लगभग मखाने थे थोड़े से खरबूजे वो सॉरी मगज के बीज होते हैं ना खरबूजे के बीज वो और 50 ग्राम के लगभग किशमिश थी तो ये सामान था जो मुझे इसमें डालना था तो घी मम्मी ने भेजा ही था गाँव में से तो उसी में ही मैं सारे ड्राई फ्रूट भून लूँगी पहले मैंने बादाम भुनने हैं जब वो अच्छी तरीके से भुन गए तो उसी में मैंने काजू डाल के भून दिए क्योंकि बादाम भुनने में टाइम लगता है लेकिन काजू जो है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं तो मैंने बादाम भून के उसके बाद काजू भी मैंने कर लिए हैं भून लिए हैं घी में अच्छी तरह और ये देखिए ये कृष्णा ये छोड़ता नहीं ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी इससे बचा के रखना बहुत मुश्किल है ये आएगा और छुप छुप के कभी इधर से कभी उधर से करके ले जाएगा तो देखिए जी काजू बादाम भुन गए हैं अब इसी घी में डाल के जो गोंद है वो मैं भून दूंगी गोंद मैंने इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लिया है हर बार मैं सौ ग्राम गोंद लेती थी लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि दी गोंद जो है वो कमर दर्द पीठ दर्द वगैरह में जैसा बॉडी पेन भी होता है उसमें अच्छा होता है तो इनको भी टांगों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है और मेरा तो आपको पता ही है कि कमर में रहती है तो इसी वजह से फिर इस बार मैंने जो गोंद है वो थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मतलब डबल कर दिया है बाकी चीज़ें सेम सेम रखी है तो देखिए बस सारे गोंद को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी बहुत ही अच्छे मतलब ज़्यादा घी में डाल के भूनते हैं ना गोंद को तो बहुत ही अच्छी तरीके से खिल के आता है अगर कम घी में भूनते हैं तो इतना अच्छा सा वो खिलता नहीं तो जी गोंद भून लिया है मैंने उसके बाद जो मखाने थे वो भी मैंने डाल लिए हैं और शायद ही ढाई सौ ग्राम के लगभग होंगे मखाने कम होंगे ज़्यादा होंगे मैं कह नहीं सकती तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये ढाई सौ ग्राम होने चाहिए तो जी मखाने भी मैंने भून लिया है घी में तो लगभग सारा जो सामान था भूनने का वो भुन गया है अब बारी आती है बेसन की और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो बेसन को आटे को या सूजी जो भी हम भून रहे हैं उसी को ही भूनने में लगता है और जो ये घी है ये मम्मी ने गाँव में से भेजा था तो वैसे तो जो मेरा रोज़मर्रा का खर्चा है वो मलाई वाले घी से निकल जाता है जो मैं मलाई से घी निकालती हूँ ना उससे रोज़ का घी चल जाता है मेरा खर्चा और जो ये मम्मी गाँव में से घी भेजती है तो उसका ज़्यादातर इस्तेमाल मैं इन्हीं चीज़ों में करती हूँ मिठाई वगैरह बनाने में या लड्डू या मतलब इन्हीं चीज़ों में जाता है वो वाला घी नहीं तो रोज़मर्रा का जो मेरा खर्चा है उस घी में आराम से निकल जाता है तो जी देखिए बस यहाँ पे अब मैं घी इसको बेसन को भून लूँगी और बेसन में मतलब घी इतना ही होता है वैसे तो बेसन के जो लड्डू बनते हैं उनकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी सेम रहती है यानी कि एक किलो बेसन है तो एक किलो ही बुरा और एक किलो के लगभग ही घी लगता है लेकिन मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ जैसा एक किलो है तो मैं उसमें साढ़े पाँच सौ या छः सौ ग्राम घी डालती हूँ एक किलो के अंदर तो उससे क्या है लड्डू अच्छी तरीके से हो जाते हैं और अगर कम भी रहता है तो मैं बाद में डाल लेती हूँ जब लड्डू वगैरह बनाती हूँ पहले नहीं डालती तो देखिए बस यहाँ पे मैं बेसन को भून रही हूँ और बेसन जैसे जैसे भुनता जाएगा वैसे वैसे ही ये घी छोड़ता जाएगा पतला होता जाएगा और जब ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से भुन जाएगा कलर चेंज हो जाएगा इसका और तो बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आने लगती है लेकिन भूनने में बेसन को अगर बिल्कुल कम आज करके आप इसको भून रहे हैं तो कम से कम एक घंटा मान के चलिए कि आपके बेसन को भुनने में इतना टाइम लग जाएगा और ये सिर्फ आधा किलो बेसन था जिसको कि इतना टाइम लगा है में। अगर तो थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लग सकता है तो देखिए यहाँ पे बेसन हमारा बिल्कुल भुन चुका है अब इसको मैंने उतार के रख दिया है एक साइड तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इनको मैं सब कर लूँगी इसमें मिक्सचर में में मिक्सर में पीस लूंगी। तो वैसे तो मुझे जो मोटे मोटे से होते हैं वो अच्छे लगते हैं लेकिन मिक्सी में क्या होता है कि एकदम से ही उनका बारीक सा बुरादा बन जाता है तो अच्छे भी लगते हैं कम अच्छे लगते हैं लेकिन जब वो बादाम का जो है कोई भी ड्राई फ्रूट है अगर वो मतलब जब खाते हैं ना और वो आता है मुँह में तो खाया जाता है बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसमें क्या है कि एकदम से ही पेस्ट सा बन जाता है चाहे ऑन ऑफ करके घुमा लो कैसे भी करके तो जी देखिए बस यहाँ पे मैंने भून ये सारे मसाले ये सारे ड्राई फ्रूट पीस लिए हैं और जो बाकी ये काजू बादाम मखाने और गोंद पीस लिया है ये है जो मगज़ के बीज होते हैं वो और थोड़ी सी किशमिश मंगवाई थी किशमिश जरा सी बची कृष्णा ने सारी खा ली थी इनको सबको मिला दिया है अच्छी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट को अब इसमें मैं डाल दूँगी बूरा तो बूरा मैंने बेसन और ड्राई फ्रूट दोनों के मात्रा के बराबर बर लिया था तो आधी किलो बेसन था और एक आधी किलो से ही ज़्यादा ये ड्राई फ्रूट वगैरह हो गए थे तो उसी हिसाब से मैंने सात सौ साढ़े सात सौ ग्राम बेसन लिया था सॉरी बुरा लिया था तो बुरे और ड्राई फ्रूट को मिक्स करके इस बार जो ये बेसन है इसको मैंने बाद में मिक्स किया है नहीं तो पहले मैं क्या करती थी कि बेसन में बुरा डाल के उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट मिक्स करती थी तो पहले तो मेरा विचार था कि मैं इनके लड्डू ही बनाऊँ लेकिन फिर जो है जैसे लड्डू जो है ना वो घी जम जाता है उनमें तो थोड़े खाने में फिर प्रॉब्लम से करते थे तो आज मैंने फिर इनके लड्डू नहीं बनाए ये कहने लगे इन दो लड्डू ना बनाए इनके ऐसे ही रखते तो जब भी खाएंगे थोड़ा सा इसमें से निकाला गर्म किया और खा लिया तो घी जो है वो पिघल लेगा पिघल जाएगा और गरम गरम सा अच्छा लगेगा तो इसीलिए जो ये मिक्सचर है मैंने रख दिया है ऐसे ही लेकिन मुझे भी बच्चों का नहीं पता कि बच्चे इसे ऐसे खा लेंगे क्योंकि प्योर हुई लड्डू ही खाना पसंद करती हैं कृष्णा भी तो देखती हूँ मैं अगर उन्होंने खा लिए तो इसको ऐसे ही रहने दूँगी नहीं तो फिर इसके बाद में मैं लड्डू ही बनाऊँगी तो देखिए बस यहाँ पे मैंने कर दिया है सारा सामान उठा दिया है और खाना मैंने नहीं खाया था अब तक मैं कहा चलिए पहले खाना बना के मैंने बच्चों को खिला दिया था मैं कहा मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि खाना खा के ना नींद सी आने लगती है तो मैं कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी अभी बाद में ही खाऊँगी और काम जो है ये बेसन के लड्डू वगैरह वाला आज ही थोड़ा मैंने जल्दी जोड़ लिया था और ये इस बार बन गया क्योंकि अब तो सर्दियाँ जाने लगी है तो इस बार मैं कहा चलिए जी सीज़न जा रहा है तो लास्ट टाइम बना लेती हूँ फिर अगला सीज़न आएगा तब बनाए जाएंगे और वैसे तो बेसन के लड्डू वगैरह तो बनेंगे लेकिन ड्राई फ्रूट वगैरह गर्मियों में इतने नहीं खाए जा सकते तो रात को ही मैं काम जाम जोड़ती भी इसी लिए हूँ ताकि मैं खा पी के फिर बना के आराम से लेट जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है सुबह को अपने टाइम पे उठ जाऊँ नहीं तो सुबह को वही रहता है कि ये भी चीज़ें करो बाकी फिर घर के भी काम है वो भी करो तो जी देखिए मेरे लड्डू वगैरह सारे बन गए हैं बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं बर्तन इतने सारे हो जाते हैं ना इनमें बड़े बड़े बर्तन होते हैं उसके बाद मैंने जो किचन का स्लेब है वो भी साफ कर दिया है और जो गैस है वो बाहर ही रखी थी सामान उठा देता मैं चली स्लेब साफ़ करके फिर मैं गैस को रखूँगी तो गैस भी मैंने रख दी है अंदर गैस को भी मैं साफ़ कर दूँगी और इसके बाद मैंने खाना वगैरह भी खाया खाना अभी नहीं खाया तो तो जी बस लेटने से पहले जो मेरे रात के काम होते हैं वे मैं ये ज़रूर करती हूँ थोड़ी बहुत साफ़ सफ़ाई होती है सामान उठाना धरना ये मैं रात को जरूर करती हूँ हालांकि सुबह उठने के बाद मिलता वैसा ही है क्योंकि उठते ही बच्चे कूदना शुरू कर देते हैं लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा होता है अपना वो मैं करती ही हूँ तो जी बाहर का समय अठ के मैं आ गई हूँ अंदर कपड़े वगैरह बिछाऊंगी बच्चों के लेट बच्चों को लेटाऊंगी इन्हें नहीं तो ये लेटते नहीं है बिल्कुल भी उसके बाद मैं खा रही हूँ खाना और मैं हाथ पे रोटी लेके खा रही हूँ क्योंकि अच्छी लगती है हमारे घर ना हमारे गाँव में मायके में भी तो हाथ पे रोटी रख के खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है तो ये चीजें है जो मुझे अपने गाँव की याद बहुत दिलाती है अपने घर की मायके की तो जी देखिए बस यहाँ पे अब मेरा काम निपट गया का है सारा और लाइटें वगैरह मैं बंद कर दूंगी गेट वगैरह अपने भगवान जी को हाथ वगैरह जोड़ लूंगी और जी बस यही था तो मैं कहा चलिए जी इतना ही बहुत है आज के लिए तो जी टाइम बच गए और आज जल्दी हो गया क्योंकि मैंने जल्दी शुरू कर दिया था तो और लड्डू बनाती तो आधा घंटा और लग जाता जा लड्डू नहीं बनाए और हमने ना, ना सा टेस्ट करा ना कुछ करा क्योंकि सुबह को नहा धोकर पूजा करके भगवान जी को भोग लगा के फिर करेंगे काना जी को भी तो सुबह लगाएंगे भोग अब लेट गए थे काना खाना खिला तो दे दे तो भी देता दे कैसा दे तो जी बस आज लास्ट कर रहे हैं तो जो होगा उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डालने क्योंकि गर्मी में गर्म हो जाएगा ना तो बेसन का तो खाया जाएगा ड्राई फ्रूट नहीं डालने की हाँ जी आपको चलो भाई लेट जा कृष्णा करो क्यूँ दिवाली, 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 दिवाली है आज तेरी तो तो जी तो तो ये ये अभी सोने के नहीं है घंटा और रहे ना तो सवा ग्यारह बजे तक हो जाएंगे बेटे तू क्या कर रही है अब रात को यहाँ पे अब तू सफाई कर रही है रात को कौन सी सफाई हो रही बेटे तो कपड़े तो तय हो रहे थे कौन से तय कर रही थी निकाल के तो के चल रख लेट बेटा फिर सुबह को स्कूल जाना बाबू फिर सुबह को उठा जाता तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आप लोग अपना ध्यान रखिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए है। मिलते हैं जल्दी ही तब तक के लिए बाय बाय राधे राधे